हमीरपुर में निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी पर आरटीओ के द्वारा सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है और बार बार शिकायत आने पर निजी बस ऑपरेटरों के रूट परमिट तक रद्द किए जाएंगे। हमीरपुर में बस ऑपरेटरों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए आरटीओ हमीरपुर ने कमर कस ली है और आरटीओ डॉक्टर विक्रम महाजन द्वारा निजी व सरकारी बस ऑपरेटरों को फरमान जारी करते हुए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर सवारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया या फिर किसी ऑपरेटर ने निर्धारित बस स्टॉप पर बसें नहीं रोकी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही सवारियों की शिकायत पहुंचने पर भी बस ऑपरेटरों से जवाब तलब किया जाएगा। हमीरपुर में गत कुछ समय से निजी बस ऑपरेटरों के द्वारा निर्धारित बस स्टॉप पर बसें नहीं रोकने की शिकायतें आरटीओ को मिल रही थी और कई बार सवारियों को लोकल रूटों पर नहीं बिठाए जाने की शिकायत भी लोगों द्वारा की गई, जिस पर अब हमीरपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के द्वारा सख्त निर्देश पारित करते हुए निजी व सरकारी बस ऑपरेटरों को हिदायत दी गई है कि अगर दोबारा से किसी के खिलाफ शिकायत मिलती है तो बस ऑपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही निजी बस ऑपरेटरों की बार बार शिकायत आने पर अब रूट परमिट तक भी रद्द किया जाएगा। सलासी निवासी सतीश ने बताया कि जब भी कभी घर के लिए बस पर चढ़ने लगते हैं तो पहले तो परिचालक के द्वारा मना किया जाता है और कई बार तो बसों को भी स्टॉप पर नहीं रोका जाता है, जिससे काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। प्रॉब्लम आती है, मेरा नाम सतीश है और हम लोकल बसों में आने के लिए जाते हैं तो ये बिठाते नहीं, आने वालों को कहते हैं कि सरकारी बस में जाओ और वो मतलब सरकारी बसें कम जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मतलब प्राइवेट बस वाले इतने मना करते हैं, इसमें मत नहीं जाना मत जाओ कहते हैं। आरटीओ हमीरपुर डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि सवारियों की शिकायत पर बस ऑपरेटरों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और बार बार शिकायत आने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत निजी बस परमिट तक रद्द किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी बस ऑपरेटरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सवारियों की सहूलियत का ख्याल रखा जाए। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो हमारे बस ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो सरकारी बस है चाहे प्राइवेट बस है, कई जगह से हमारे को ये कंप्लेंट आ रही है कि वहां पे बसेस नहीं रोकी जाती हैं, कई स्टेशन पे बसेस नहीं रोकी जाती हैं। मेरा अनुरोध रहेगा सभी बस ऑपरेटर्स से कि हर जगह जहां पर भी वो बसेस के लिए लोग आने करते हैं रोकने के लिए, वहां पे बसें रोकी जाएं और नजदीक की सवारियां, कई बार ऐसा होता है कि बसेस नहीं चढ़ाती हैं, नहीं वहां पे उन लोगों को वहां में बिठाया जाता है, तो इसके बारे में भी मेरा ट्रांसपोर्टर से अनुरोध रहेगा कि वो कृपया सभी सवारियों को बस में चढ़ा दें। अगर कोई कंप्लेंट आती है तो फिर क्या कार्रवाई होगी ऐसी ट्रांसपोर्ट की? अगर हमारे अनुरोध और हमारी इंस्ट्रक्शंस के बाद भी अगर ट्रांसपोर्टर्स इस गलती को दोहराते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, और अगर ऐसी बसेस नहीं रोकी जाती हैं, कहीं पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रूट कैंसिल करने तक चलेंगे।